दो हजार बीस में मूवी का जो ड्रामा और इसी के साथ कॉमेडी, हम देखने वाले हैं एक ऐसी चलाक छोटी को जो की अपने हुनर और काबिलियत के दम पर बड़े बड़े कारनामे करके दिखाती है सनाव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चले आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरुआत में हम एक साइकिल चलाती लड़की को देख पाते हैं और यही है हमारी कहानी की मेन लीड कैरेक्टर यानी

में ही उसके पिता गुजर चुके होते हैं और दो बड़े भाई जो कि समय के साथ आगे चलकर घर को छोड़कर भी चले जाते हैं और अंत में बचती है एनोला एनोला और और उसकी मॉम मॉम एडवार का कहना था कि नाम नाम उन्होंने लड़ कर उसके लिए चूज किया और अगर इस को उल्टा तो बनता है अलून खैर इस नाम से भी जुड़ी एक छोटी सी मिस्ट्री है जो की मैं इस कहानी में आगे, आगे आपको बताऊंगा और इसी के साथ हम एनोला की लाइफ को भी देख पाते हैं की बचपन से कैसे उसकी मॉम उसे ट्रेन करती है कभी चेस खिलाती है तो कभी जोड़ो कराटे तो कभी घर में ही टेनिस की प्रैक्टिस और अगर थोड़ी सी बोरियत हो जाए तो अलग अलग रूप बना करके के बहरूपी बन जाते हैं तो ऐसी ही कुछ लाइफ थी एनोला की आज एनोला का बर्थडे होता है है और सुबह उठकर जब वो घर में आती है तो देखती है कि उसकी मां उसे छोड़कर जा चुकी है वो घर के हर कोने कोने में जाकर उन्हें ढूंढती है मगर घर में कोई नहीं था कि तभी घर की नौकरानी आकर एनोला को एक छोटा सा गिफ्ट देती है और बताती है कि तुम्हारी मॉम ने अपने हाथों से बनाकर तुम्हारे लिए रखा था और मुझे कहा था कि जब वो सुबह उठे तो

केवल यानी कि शर्लोक होम्स जो कि होते हैं शहर के जाने माने जासूस जब उन्हें ये बात पता चलती है कि मॉम इस घर को छोड़कर कहीं चली गई है तो ये अब एक गुत्थी बन चुकी थी वो आकर हर एक चीज को बारीकी से परखने लगता है अब जहां एक तरफ एनोला को अपनी मॉम को ढूंढने का जुनून सवार था सर पर वही दूसरी तरफ उस खत में ये भी लिखा था कि अब की अब एनोला माइक्रॉफ्ट की जिम्मेदारी है और माइक्रॉफ्ट चाहता था की वो अपनी बहन को नाजुक बताए और तहजीब सिखवाए ताकि एक बड़े घराने में उसकी अच्छी से शादी हो जाए लेकिन बाहर खड़ी अनोला उनकी ये सारी बातें सुन लेती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएगी नेक्स्ट मॉर्निंग माइक्रोफ्ट के बुलाने पर शहर की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कोचिंग हेड इनके घर पर पहुंच जाती है और अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये है बेसिकली हैरी पाउडर मूवी से आंट पिटोनिया की की मम्मी खैर कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी उनका अनोला से कहना था की एक लड़की को अपने बाल हमेशा सजे सबरे रखने चाहिए फिगर को टाइट रखना चाहिए और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए

एक जादूगर की ट्रेनिंग के लिए काम में लिया जाता है तभी यहाँ पर इनके बचपन से रिलेटेड कुछ बातें भी होती है यहाँ पर शेयरलोक बताता है कि जब तुम छोटी थी तो तुमने एक छोटे से चूहे को अपना पालतू जानवर बना लिया था और नाम रख दिया था जैक तो इनके बीच में बचपन से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत होती है जहाँ पर शेयरलोक को ये बात तो समझ में आ जाती है की ये लड़की शादी करके घर बसाने और नॉर्मल काम करने वालों में से नहीं बल्कि कुछ बड़ा काम करने के लिए बनी है वही रात को एनोलो को अपने भाई की यानी कि माइक्रोफ्ट की बातें सता लगती है की अगले दिन वो उसे में देगा जहाँ पर उसे, तो उसे कुछ हिंट मिलते हैं और लिखा होता है लुक इन टू माई क्रिशन थम्स इन राजो का पता करते करते वो उनकी बनाई गई ड्रॉइंग के पास और नोटिस करती है तो पता चलता है की एक और तस्वीर के पीछे उन्होंने ढेर सारे पैसे से छिपा कर रखे हैं जैसे ही वो इस रात से पर्दा उजागर करती है तो उसे मालूम चल जाता है कि अब उसे क्या करना है जहाँ से स्टार्ट होता है इस कहानी का चैप्टर टू जहाँ पर अब हमारी छोटी जासूस तैयार थी अपने पहले केस को सुलझाने के लिए केस होता है फाइंडिंग मॉम उसे ये बात तो पता थी की शहर के करीबी रेलवे स्टेशन पर उसके भाई उसे ढूंढने के लिए जरूर आएंगे इसलिए वो दूर दराज के रेलवे स्टेशन पर खुद की टिकट बुक कराकर लंदन जाने लगती है कि तभी वहाँ की रानी अपने गार्ड्स के साथ आकर हर एक डिब्बे को चेक करवाने के बारे में कहते

भी इस डब्बे से निकल जाओ क्योंकि तुम्हें ढूंढने के लिए एक जासूस ऑलरेडी इस ट्रेन में चढ़ चुका है अगर वो तुम्हें मेरे साथ में पकड़ लेगा तो मैं भी मुसीबत में आ जाऊंगी और मुझे घर वापस जाना पड़ेगा जो की मैं जाना बिल्कुल नहीं चाहती तो या तो तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं यहाँ उसे समझाने लगता है की मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ फूलों का जानकार हूँ समाज से प्यार करता हूँ मगर मेरी बातें मेरे घर वालों को अजीब लगती है और मेरा उस महल से निकल जाना ही बेहतर था मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मगर एनोला बिना उसकी मदद करे वहां से निकल जाती है कि तभी उसे अपनी मॉम की बातें याद आती है वो मत करो जो आसान है वो करो जो सही है तो वो जैसे ही ट्विग्स के पास जाती है तो देख पाती है कि एक किलर वहां पर कर कर उसकी उसकी जान जान लेने की कोशिश कर रहा है मगर वक्त रहते वो उसकी जान बचा कर, ट्रेन के में भाग कोयले पड़े होते हैं उस जगह तक पहुँच जाती है और बताती है की एक मोमेंट पर हमें इस ब्रिज से जंप करना पड़ेगा और ये ब्रिज भी हैरी पॉटर के सेकंड पार्ट हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट में दिखाया गया था जहां पर रॉन और हैरी की हॉगवर्ड एक्सप्रेस मिस हो चुकी थी और ये कार को जादू के थ्रू उड़ाकर इस ब्रिज से निकले थे नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी कातल को पता लग जाता है की ये लोग वहाँ से कूद चुके हैं और वो इनका बाल भी नहीं उखाड़ पाता कि तभी सीन शिफ्ट होता है घर में या शेरलोक होम्स इस गुत्थी को सुलझाने लगता है की अब आखिर अनोला कहाँ चली गई और एक दिन घर में जो भी चीजें जिस हिसाब से पड़ी थी आज उनकी जगह और इसी के साथ उनकी पोजीशन में चेंजेस आ चुके थे यानी कि किसी ने इन सभी चीजों को हिलाया है और उसकी मॉम की जूतों में लगी बानी से पता चलता है कि चिमनी में जरूर किसी ने कुछ छिपाया होगा और तभी उसे लेटर्स का जत्था मिलता है यहाँ ट्विक्सबरी और एनोला ट्रेन से कूद जाने के बाद में आगे का रास्ता तय करने के बारे में सोचते हैं जहाँ पर एनोला कहती है की मुझे बहुत भूख लग रही है और दूर दराज तक खाने के लिए कुछ नहीं जिस पर ट्विक्सबरी का कहना था की पूरे खेत में उपजाऊ फसलें हैं शानदार महकते फूल है और खाने के लिए बहुत सारे फल है अगर तुम आग जला सको तो आज दावत का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बातचीत होती है ट्विक्सबरी का कहना था मुझे फूलों पत्तों और इनके बारे में काफी अच्छी नॉलेज है मैं एक ऐसे घराने से आता हूँ जो की लंदन का राज घराना है मैं आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा ऐसा मेरा परिवार चाहता था मैं नहीं इसलिए उनका दबाव में झेल नहीं पाया और एट द एंड मैंने घर से भागने के बारे में डिसाइड किया आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो जिस पर एनोला बताती है कि मैं अपनी मॉम को ढूंढने निकली हूँ अब इन दोनों को कोई पकड़ ना ले इसीलिए एनोला अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है वहीं पर ट्विग्स बेरी अपने बाल कटवा लेता है और ये लोग अब पहुंच चुके होते हैं लंदन जहां से अब इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं एनोला जानती थी कि इस ड्रेस अप में कोई भी उसे पहचान सकता है क्योंकि उसका भाई शर्लख होम्स उसी की तलाश में है इसलिए वो सबसे पहले जाकर उन पैसों से अपने लिए एक ड्रेस खरीदती है दुकान वाली को लग रहा था की वो एक लड़का है मगर जब वो अपनी ड्रेस चेंज करके एक लड़की के रूप में बाहर आती तो उसे देखकर दुकान वाली भी शौक हो जाती है और कहती है की क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ जिस पर अनोला कहती है की मुझे रहने

की बेटी हो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है तो आखिर बताओ कितना कुछ पता है जहाँ पर कुछ अपने कहाँ परेट पर पर तो है, है और अगर पता लगाना ही चाहती हो तो जिस तरीके ऐसी यहाँ तक पहुँची हो उन तक भी पहुँच ही जाओगी मगर बात करे दावपीज की तो उसमें थोड़ी कच्ची हो अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि होने वाली फाइट्स में ये सारे दाऊपीज तुम्हें सहारा दे। तभी एनोला को याद आता है की एक दिन जब अपने मॉम के कमरे में गई थी तो उस दिन घर पर मीटिंग चल रही थी और वो लोग शब्दों की भाषाओं में बातचीत कर रहे थे शब्दों का वो खेल जिसमें अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों को प्रोनास किया जाता है तो इसी गुत्थी को सुलझाते हुए अगले दिन एनोला पहुंच जाती है उसी एड्रेस पर जहां उसकी मॉम ने पहले एक बार मीटिंग बिठाई थी उस दरवाजे पर एक रिबन बंधा होता है वैसा ही रिबन उसकी मॉम एडवार के स्वेटर पर और इसी के साथ उस गिफ्ट बॉक्स पर भी था जो की उसे सिक्सटीन बर्थडे पर मिला था

भी पहुंच जाता है जिसने ट्रेन में इन पर हमला किया था मगर एनौला को तभी अपने वही दाव पेज याद आते हैं जो कि एडिट ने उसे सिखाए थे और उनकी मदद से वो उसे चकमा देकर वहां से निकल जाती है जब वो घर आकर अपने टूटे हुए तो हालत कर सकता है तो ना समझे की तो क्या हालत करेगा इस वक्त मोम को ढूंढने ऐसी ज्यादा जरूरी ट्रिक्सबेरी की जान बचाना है तो वो पहुँच जाती है एक विधवा का रूप बनाकर उनके महल में जहाँ उसकी मुलाकात उसकी मॉम और उसकी दादी से होती है और इसी के साथ अंकल विम्बर भी वहीं पर थे जिनका पूछना था कि लड़की आखिर तुम हमसे दादी इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाती है क्यूँकी उन्होंने को काफी बार ट्राई किया कि वो उनके पोते को ढूंढ कर ला कर दे मगर शरलोक था की उनकी बात ही नहीं सुन रहा था और अगर उन्होंने तुम्हें भेजा है तो जरूर में कुछ ना कुछ बात तो होगी लेकिन तभी एक पुलिस कमिश्नर लिस्ट्राइट पहुंच जाता है और बताता है कि शर्लोक होम्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं, उसने किसी असिस्टेंट को ना ही कभी कोई काम सिखाया और ना दोनों के बीच में हो जाती है और कहती है की अगर तुम शर्लोक होम्स को मुझसे ज्यादा जानते हो तो तीन सवालों का काम्पिटिशन होगा यानी कि तीन मैं तुमसे पूछूंगी उनके बारे में और तीन तुम मुझे पूछोगे और जो जीतेगा तो वही इस गुत्थी को सुलझाएगा की आखिर लॉर्ड ट्विक्सबेरी पर है मगर इनके लड़ाई झगड़े को देख हुए दादी जी को आ जाता है गुस्सा और वो इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल देती है अपने बड़े भाई माइक्रोफ्ट का स्केच बना रही थी और इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातचीत हुई थी तो तेज दिमाग का यहाँ पर काम आ जाता है और वो इस टास्क में कामयाब हो जाती है वही हम शर्ल होम्स को भी देख पाते हैं जो कि अपनी बहन के राज को उजागर करने के लिए पहुंच चुका होता है एडिट के पास में और कहता है कि मेरी बहन यहाँ पर जरूर आई होगी क्योंकि उसकी साइकिल रेलवे स्टेशन पर मिली थी और उसके पुराने कपड़े इसी शहर में और हमारे घर से भेजा गया आखिरी खत तुम्हारे ही घर के एड्रेस पर था इन सारी बातों को सुनकर एडिट कहती है कि तुम तेज दिमाग जासूस तो जरूर हो मगर मैं तुम्हें तो अनोला के बारे में कुछ नहीं बता सकती वो जहाँ पर भी है खुश है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ माइक्रोफ्ट पहुँचता है एक बार के पास में शेव करवाने के लिए उसी वक्त वहाँ पर लिस्ट्रार्ट भी बैठ जाता है ये दोनों महल से गायब हुए लॉर्ड यानी कि ट्विक्सबेरी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी माइक्रोफ्ट कहता है कि मेरी छोटी बहन भी गायब हो चुकी है न जाने कहाँ चली गई है जहाँ पर लिस्ट्रट कहता है की क्या उसकी उम्र सोलह साल है और कद कुछ पांच फुट पांच इंच है बातें ज्यादा करती है और कपड़े बदलकर बहरूपिया बनने में माहिर है जहाँ पर माइक्रॉफ्ट कहता है की हाँ ये सारी बातें तो सच है तब जाकर माइक्रोफ्ट को पता लगता है की वो लंडन में ही कहीं घूम रही है तो वो लिस्टार्ट ऐसी कहता है की लॉर्ड ट्विक्सबेरी को छोड़कर तुम मुझे एनोला ला कर दो और मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा या एनोला पहुंच की होती है गार्डनर के पास में जो कि इनके महल की बागबानी किया करता था और पांच पाउंड के बदले ये लोग कपड़े बदल लेते हैं इसी के साथ वो बताता है कि राजा बाबू हर वक्त जंगल में जाया करते थे तो जब वो जंगल में जाती है तो एक ट्री हाउस को देख पाती है और उसके अंदर उसकी ढेर सारी किताबों को भी देख पाती है इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है की ट्विक्स बेरी यही पर बैठ अपने सारे प्लान बनाया करता होगा और किताबों में जो फूल के बारे में उसकी चाहत है जो नॉलेज है इसका मतलब की वो मुझे वही मिलेगा जहाँ पर कोई बढ़िया फूल की दुकान होगी इतने में यहाँ पर दादी जी पहुंच जाती है और बताती है कि मैं मेरे पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि अब मेरा बेटा नहीं रहा आगे चलकर मेरे पोते को ही राजगद्दी संभालनी है क्योंकि हमारे खानदान ने कई सालों से पॉलिटिक्स में रहकर इस शहर को आगे बढ़ाया है और इस धरोहर को बचाया है अब अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर आखिर इस धरोहर का क्या होगा क्यूँकी यही तो इस पूरे शहर की ब्यूटीफुल जगह है और जहाँ तक मुझे लगता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम एक विधवा के रूप में थी और आज एक लड़का बनकर घूम रही हो शायद तुम इस गुत्थी को सुलझाने के काबिल हो तो फिर लग जाओ काम पे और नेक्स्ट डे पहुंच जाती है एनोला इस शहर के सबसे बढ़िया फूल वाले की दुकान पर एंड एज प्रशन यहीं पर उसे मिलता है 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 लॉर्ड इन दोनों के बीच में काफी सारी बातचीत होती है। वो पूछता आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे जहां पर एनोला बताती है की तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है की कि वो किलर तुम्हारे पीछे पड़ा है जो की तुम्हें जान से मारना चाहता है अब आखिर वो कौन है और क्यों मारना चाहता है इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक सेफ प्लेस पर ले जाना जरूरी होगा अनोला से अपने घर ले आती है इन दोनों के बीच में थोड़े से प्यार भरे मूवमेंट भी होते हैं कि तभी घर पर इनका दरवाजा कोई थक लगता है और वो होता है चीफ उसे लिस्ट का पता उस आंटी जी ने दिया था जो की कपड़े भी बेचती है और इसी के साथ रूम्स भी अलॉट करवाती है वो आंटी तो ऑलरेडी पैसों की ही भूखी थी क्यूँकी उसने पहले भी अनोला से जो पैसे लिए थे इस बार से पैसे लेकर उसके बारे में एनोला के खिलाफ ही सारी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके बाद तो वो उनके पीछे पड़ चुका था और ये लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते

कहती है कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने के लिए आए हैं और जब गुस्से में तो उसे पता पड़ता है कि उसका भाई माइक्रॉफ्ट नहीं बल्कि उसका वर्ड गेम्स खेलना पसंद है क्या चूज किया क्या तुम जासूस बनोगी या फिर घर के काम को सीख कर गृहस्थी गृहणी बनोगी एनोला कहती है की मैं अपने बड़े भाई माइक्रोफ्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्यों ना मेरे गार्डियन तुम बन जाओ जिस पर शेरलॉक का कहना था की मैं अपने बड़े भाई की बात नहीं

स्ट्रेस उस बॉक्स को अपने ऑफिस में रखवाती है कि तभी एनोला वहां से उड़न चू होकर उन दोनों की एक बेकार पेंटिंग उस बॉक्स में छोड़ जाती है और अब यहाँ पर उसके दिमाग में उसे सारे राज क्लियर होते नजर आते हैं नंबर वन पॉलिटिक्स को चलाने के लिए एक बड़े मजबूत और तेज दिमाग वाले इंसान की जरूरत है जिसका पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा हाथ हो और तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर में उसे समझने वाला इंसान और कोई नहीं वो है अंकल विम्बरले और मेरी माँ ने हमेशा से एक ही बात सिखाई थी कि कभी कभी सागर की गहराई को नापने के लिए उसमें उतरना पड़ता है तो अगर उस कातिल तक पहुंचना है तो तुम्हारे घर पहुंच कर अंकल ले का पर्दाफाश करना ही होगा और जब ये लोग रात को अपने महल पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो किलर ऑलरेडी इनका शिकार करने के लिए मौजूद था इनके बीच में ढेर सारा छुपाई का खेल होता है बहुत बारी गोलियों की बौछार से भी बचते फिरते हैं लेकिन तभी अनोला को अपनी मॉम के द्वारा सिखाया गया एक छोटा सा नुस्खा याद आता है कि कैसे छोटी सी छोटी चीज भी एक बड़ा धमाका कर सकती है बस एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और तभी वो अपने तेज दिमाग की स्ट्रेटी को

अपने पोते को जान से मरवाने की कोशिश करी थी मगर तभी एनोला बीच में आ जाती है और दादी को धूल चटा देती है इस तक और दादी जी को जेल हो जाती है वही सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और हम यहाँ पर देख पाते हैं शेरलॉक होम्स को लंडन के चीफ लजिस्ट्रेट के पास में बैठा हुआ का बताना था की दो घटनाएं जो की शहर में हुई थी उन दोनों का कनेक्शन

था कि इस वक्त वो रेडी नहीं है और वो एक बड़ी जासूस बनना चाहती है और रही बात के राजकुमार से पीछा छुड़ाने की तो वो तो कभी होगा नहीं तो हमारी मुलाकात ही होती रहेगी कि तभी अखबार में जब वो टाइटल्स और लेकिन समझ जाती है की माँ खुद को माँ कहकर कभी भी मुझे मैसेज नहीं करेगी वो, वो यूज करती वर्ड क्रिसेंथम्स यानी कि यहाँ पर एक चाल खेली गई है वो भी शर्लोक होम्स के थ्रू वहीं हम शर्लोक होम्स को भी उसी जगह पर पाते हैं पर उसने एनोला को माँ के बदले मिलने के लिए बुलाया था खैर अब इन दोनों भाइयों में भी इसका मतलब उसने वो आर्टिकल नहीं किया होगा और उसके गार्डन यानी कि पहले भी तुम थे और बाद में भी तुम ही रहोगे काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें एनोला नहीं मिलती और जब माइक्रोफ्ट वहां से खुश होकर जाने लगता है तभी तभीोक दीवार पर पड़ा वही छोटा छोटा सा चूहा देखता है जो कि बचपन में एनोला लेकर घूमा करती थी इसका मतलब यह था कि कि ने वो पर्दा, कि वो पर्दा यानी राज सुलझा लिया था और लॉर्ड की जान बचाने पर उसकी ने उसे एक बड़ा इनाम भी दिया था जिसके चलते उसने अब एक छोटा सा अपार्टमेंट भी खरीद लिया था और सबसे खास बात की इस दिन उससे मिलने के लिए उसकी मॉम एडवार होम्स आई थी और बताती है की मेरी नजर तो पहले भी तुम पर थी मैं तो बस ये देखना चाहती थी की जो भी मैंने तुम्हें अब तक सिखाया क्या तुम उसे यूज करने के काबिल बनी हो या नहीं और तुमने उन सारी कलाओं का उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया है तो अब तुम तैयार हो एक शानदार जासूस बनने के लिए और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है आई होप वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो इसका एक सेकंड पार्ट भी है जो कि मैं जल्द ही लेकर आऊंगा तब तक के लिए की वोचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में